बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद नुमान कयूम। तुसी देखते पे हो गंदारा हिंको टीवी। सबसे पहले अज दी खबरां दा खुलासा। बिजली दी कीमत विच 1 रुपया 6 पैसे फी यूनिट दा मजीद इजाफा कर दिता गया वे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सदीकी दे मुतालिक रिपोर्ट गैर तसली बख्श करार देंदे हुए सेक्रेटरी खालजा नूं तलब कर लिता वे। PDM दा आज बटखेला च पावर शो सी, मौलाना फजल रहमान ते बिलावल खिताब कर सुन। गंदारा इनको अकैडमी दे 264वें हफ्तावार अमूमी इंतजामी इजलास दा इनेकाद। PSL दा मेला वस सजने नूं तैयार, टीमा ने अपने स्क्वाड नूं हतमी शक्ल दे दी है। शायरी मजा निगारी समेत उर्दू की दूसरी जुदागाना तहरीर से शोहरत हासिल करने वाले इब्ने इंशा नू साढ़े से विछड़े 42 साल लंघ गए। हूँ खबरों की तफसील। महंगाई की सताई आवाम से एक बार वध बिजली का बम सट दिता गया वे। हुकूमत ने बिजली की कीमतों 1 रुपया 6 पैसे फी यूनिट का मजीद इजाफा कर दिता वे, जबकि नेपरा ने इस हवाले नाल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिता वे, जिसके तहत अक्तूबर वसे 29 पैसे ते नवंबर वसे 76 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया वे। कीमतों च इजाफे के बाद सार्फीन ते 8 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पैसी, जबकि बिजली की कीमतों च इजाफे का इतलाक इस महीने सार्फीन के बिलों से हो सी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमरीका च कैद डॉक्टर आफिया सदीकी के मुताबिक वजारत खारजा की रिपोर्ट गैर तसली बख्श करार देंदे हुए सैकटरी खारजा सतह के अफसर न तलब कर लिता वे। अमरीका च कैद डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई से इन्हों वतन वापस लियाने के मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट च दायर दरख्वास्त से समात हुई। डिप्टी अटारनी जनरल राजा खालिद महमूद ने वजारत खारजा की तरफ से रिपोर्ट अदालत पेश की। आफिया सदीकी की भैन फौजिया सदीकी के वकील की तरफ से मौकिफ इख्तियार किया गया कि रियासत की जिम्मेवारी है कि वह अपने शहरियों का तहफ्फुज करे। डॉक्टर आफिया अगवा किया गया, हिले तक कोई खबर नहीं कि वह जिंदा भी हो या ना। PDM मलकन डिवीजन का जलसा आज बटखेला जफर पार्क की चोसी, मौलाना फजल रहमान, बिलावल जरदारी ते दीगर मरकजी कायदीन खिताब कर सुन, जबकि मरियम नवाज शरीक ना हो सुन। मुस्लिम नून की नुमाइंदगी सूबाई सदर अमीर मकाम कर सुन। JUI ने रैलियां का शेड्यूल जारी कर दिता वे। JUI मीडिया सेल के मुताबिक दीर पाइन सी जमीयत उलमा इस्लाम के काफिले की क्यादत मौलाना अताउर रहमान कर सुन। गंदारा इनको बोर्ड के तहत गंदारा इनको अकैडमी का 264वां हफ्तावार अमूमी इंतजामी इजलास गंदारा इनको अकैडमी के डॉक्टर जहूर अहमद अवान कमेटी रूम मुनक्द होया। इजलास की सदारत गंदारा इनको अकैडमी के चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी मुहम्मद जियाउद्दीन ने की। इजलास की डायरेक्टर गंदारा इनको अकैडमी डॉक्टर मोहम्मद आदिल समेत स्टाफ मैंबरान ने शिरकत की। इजलास की तहकीक तखलीक तरवीज समेत पाकिस्तान की सारी जुबानों की तरक्की के हवाले नाल भी मुख्तलिफ उमूर से गलकत की गई। PSL 6 वसे क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने क्रिस गेल ते टॉम बेंटन का इंतखाब कर लिता वे। हसन अली पहली ही पिक की इस्लामाबाद यूनाइटेड की तवज्जो का मरकज बन गए। राशिद खान लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड शामिल हुए। क्रिस लैन ते कौमी टेस्ट टीम के नायब कप्तान मुहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी कर सुन। पिशावर जलमी दे डेविड मिलर ते मुजीबुर रहमान का चुनाव करने के नाल इमामुल हक की खिदमात भी हासिल कर लीतियां उन। शायरी मजा निगारी समेत उर्दू की दूसरी जुदागाना तहरीर से शोहरत हासिल करने वाले इब्ने इंशा नू साढ़े से विछड़े 42 साल लंघ गए। इब्ने इंशा का असल नाम शेर मुहम्मद खान आया। वह 15 जून 1927 को हिंदुस्तान के शहर जालंधर पैदा हुए। कराची यूनिवर्सिटी से MA किया। उन्होंने यूनैसको के सफीर की हैसीयत नाल यूरोपी ते एशियाई मुल्कों के दौरे भी किए। आवारा गर्द की डायरी, इब्ने बतूता के ताकुब में, दुनिया गोल है, नगरी नगरी फिर मुसाफिर जय सफरनामे मजाया अंदाजी तहरीर किए। इब्ने इंशा ने चीनी नज़मों के उर्दू तर्जुमे भी किए ते वो मुख्तलिफ अखबारात कालम भी लिखते आए। इस नाल ही आज दे इनको खबरां खत्म हुई। नवी खबरां नाल बात हाजिर हो सी। अल्लाह हाफिज।